धामपुर के शिखर स्कूल में उस समय हंगामा मच गया जब एक सभासद की बेटी का बस्ता दूसरा रिक्शा चालक ले गया। बच्ची स्कूल में वापस आकर थोड़ी देर बाद अपने रिक्शा चालक के साथ घर चली गई। सभासद द्वारा अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराने के नाम पर हंगामा मचा। सभासद और भाजपा चेयरमैन शिखर स्कूल पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई। प्रधानाचार्य द्वारा सीसीटीवी कैमरे में उस घटना को सभी पत्रकारों, नगर पालिका चेयरमैन, स्कूल रिक्शा चालक एवं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों को दिखाया गया। तब जाकर घटना की असलियत सामने आई और बच्ची का बैग जैतरा के रिक्शा चालक के पास होना पता चला। उधर जब प्रधानाचार्य से बाबत पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बच्चे का बस्ता दूसरे रिक्शा चालक द्वारा ले जाने पर यह अफवाह उड़ी। धामपुर से अक्षर राजवंशी की रिपोर्ट। ये जो मैडम आज घटना हुई है स्कूल में और गार्जियन ने अपहरण तक की बात बच्चे की कह दी, इसके बारे में आपको क्या कहना है? ये क्या पूरी घटना क्या है? एक बच्ची छोटी है हमारे स्कूल की, उसको रिक्शे वाला लेट आया था और उससे पहले जो रिक्शे वाला उसको बच्चे उसके पास खड़े हुए थे, वो बच्चे बाहर जा रहे थे तो वो बच्ची उनके साथ बाहर चली गई। उसने उसका बैग ले लिया और जब वो बैग लेके उसने देखा ये रिक्शे वाला उसका नहीं है तो वो वापस स्कूल में आ गई थी। और बाद में फिर उसका रिक्शा वाला जो रोज ही लेट आता था और वो लेट आया और उसको फिर वो अपने रिक्शे वाले के साथ ही गई थी। और ये हुआ था। और बाकी ये है कि मैं पेरेंट्स सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ताकि ये घटना फिर से रिपीट ना हो कि आप लोग अपने सारे जितने भी रिक्शे वाले हैं उन सबकी आईडी स्कूल में जमा कर दें तो हमें ये पता चलेगा कि भाई वो रिक्शे बच्चा किसमें जाता है या कौन सा रिक्शे वाला उसको लेने आता है। इसके अलावा एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने रिक्शे वालों को ज़रूर ये इंस्ट्रक्शंस दें कि उनका रिक्शे वाला टाइम से आए। कुछ रिक्शे वाले बहुत लेट आते हैं जिसकी वजह से बच्चों को भी परेशानी होती है।